हेलो दोस्तों, इंडिया में टेलीकॉम कंपनियों के लगातार टैरिफ प्लान्स के रेट चेंज होना कस्टमर्स के लिए परेशानी बन गया है। ट्राई के निर्देश के बाद एक बार और टैरिफ प्लान को कंपनियों ने कर दिया चेंज। मैं एयरटेल के एक टैरिफ प्लान के बारे में वीडियो बताने वाला हूँ, देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशोक, आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहा हूं एयरटेल के एक टैरिफ प्लान को लेकर, जिसको बंद करके कंपनी ने नए एक टैरिफ प्लान को सामने रखा है। ट्राई के निर्देश के बाद एक बार और टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान को चेंज किया है, उनके कीमतों को बढ़ाया है। एयरटेल का आप अब तक 299 रुपए का रिचार्ज टैरिफ प्लान कराते होंगे, जिसमें कि आपको 2 GB पर डे, 100 SMS पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी किसी भी नेटवर्क पर, रोमिंग या नेशनल लोकल कोई भी कॉल हो। अब उसको कंपनी ने कर दिया है बंद, प्राइस को बढ़ा दिया है 349 रुपए कर दिया है। अब 299 के बजाय वही प्लान आपको 349 रुपए देने पर मिलेगा प्रीपेड कस्टमर्स के लिए। इंडिया के लगभग सभी सर्किल्स में एयरटेल का यह प्लान चल रहा था 299 वाला, उसको खत्म करके 349 कर दिए हैं। 349 में बेनिफिट्स आपको वही मिल रहे हैं जो 299 मिलते थे। 2 GB डेटा आपको पर डे मिलेगा, 100 SMS मिलेंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी किसी भी नेटवर्क पे, रोमिंग में हो, लोकल हो या नेशनल कॉलिंग हो। साथ में आपको और बता दूं कि इसमें इस 349 रुपए के प्लान में आपको Amazon प्राइम का फ्री सब्सक्रिप्शन भी एयरटेल की तरफ से दिया जाएगा, 129 रुपए वाला जो एक महीने का Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है। इतना ही नहीं, और भी बेनिफिट एयरटेल ने इसमें ऐड किए हैं। साथ में आपको बैंक म्यूजिक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एयरटेल की एक्सट्रीम ऐप पर भी आपको फ्री कंटेंट मिलेंगे एक महीने के लिए। वैलिडिटी 349 वाले प्लान की 28 दिन ही रहेगी, जो 299 वाले की भी थी। साथ में आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर आप एयरटेल के ई वॉलेट का यूज करते हैं इस प्लान को रिचार्ज करने के लिए, तो 50 रुपए का कैशबैक भी आपको मिल सकता है। साथ में अगर आप इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो साथ में आपको एक कूपन मिलेगा, जिसको कि आप फास्टैग अगर आप यूज करते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो उसके अगले रिचार्ज पर आपको 150 रुपए का कैशबैक या डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स एयरटेल ने कर दिए हैं ऐड 349 वाले प्लान में। लेकिन समस्या यह है कि 299 का प्लान बंद हो गया है। अगर आप 299 के अलावा दूसरा कोई प्लान चाहते हैं तो 249 रुपए का, 100 रुपए कम है ये इस प्लान से, उसमें आपको 1.5 GB पर डे मिल जाएगा। बाकी बेनिफिट्स लगभग सेम ही है 349 की तरह, 28 दिन की वैलिडिटी उसकी भी है, 1.5 GB पर डे आपको मिलेगा। इन दोनों प्लान में से आप जो भी चाहें अगली बार रिचार्ज करा सकते हैं। बाकी और भी कंपनियों के जो टैरिफ प्लान है उनमें भी चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ट्राई के निर्देश हैं। और कौन कौन से चेंज होंगे किस किस कंपनी के प्लान में, वो भी आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बताना, बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाते जाते कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया, घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।